नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके समाचार। मैं हूँ आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देर साथ बने रहिए आपके समाचार पर। खबर दिखेगी सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना समर। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। कानपुर, कहां से आए और कहां जाने थे 181 करोड़, जांच एजेंसियों के अफसर भी हैरत में। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से मिली 181 करोड़ रुपए की नकदी ने जाँच एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विभागीय अफसरों का कहना है कि पीयूष का कारोबार इतना बड़ा नहीं है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी और बीच में करीब 1.5 साल के कोरोना काल के बाद वह इतनी बड़ी रकम जुटा ले। ऐसे में नकदी किसकी है, कहां से आई और कहां खपाई जानी थी, जैसे तमाम सवालों के जवाब तराशने की चुनौती महानिदेशक जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI समेत अन्य जांच एजेंसियों के सामने है। सूत्रों का दावा है कि यह रकम किसी बड़े नेता की हो सकती है जिसे चुनाव में खपाने के लिए यह इकट्ठा किया गया था। सूत्रों का कहना है कि आनंदपुरी में मिले नोटों को काफी सजो कर रखा गया था। गड्डी को पहले कागज और फिर पन्नी और बाद टेप लगाकर सुरक्षित किया गया था ताकि नोटों को लंबे समय तक आसानी से रखा जा सके। इत्र कारोबारियों का कारोबार कानपुर और कन्नौज में है। इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री या इकाई नहीं है जिससे इतना बड़ा टर्नओवर हो। ऐसे में हवाला का कारोबार लंबे समय से संचालित होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट कानपुर। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।